नंबर भावे मेरा दूर से क्योंकि जाना है जिन्हें भी नौजवान जेलों के बंद ने थोन सारे पता है कि उन्होंने पैरवाई करनी जमानत करानी हर किस्म की मदद करनी संयुक्त किसान मोर्चा वालों साड़ी एक कानूनी कमेटी बनाई हुई है जिसका मैं मुखी हाँ उस दी असीं रोजाना पैरवाई करते हैं। कल भी सारा दिन दिल्ली सी परसों भी दिल्ली सी हुण भी एक बजे फिर दिल्ली जाना है इसलिए उहदे संबंध विच ठीक है उहदे संबंध विच दो चार इनफॉर्मेशन या जानकारी क्योंकि जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। मैं जदों दा अपने जिथे मैं रहिंदा चलिया मेरा ख्याल भी 10 फोन मैनू अलग अलग कोई मोहाली तो कोई मानसा तो कोई संगरूर तो कोई हरियाणे तो बार बार सब की चिंता का विषय है कि बनकी रहा जिहड़े जिहड़ां दे विच ने वो जानकारी मैं उन्होंने दे ही रहा पर तुहाडे राही भी वो जानकारी असीं देना चाहुंदे आ। एक तो यह है कि 122 नौजवान 26 ते 29 दीआं घटनावां दे विच वो जेलों के अलग अलग धाराव मुकदमे दर्ज करके वो जेलों च भेजे से तिहाड़ जेल है जिहड़ी एक बहुत दिल्ली की तुसीं कहो भी मशहूर तो उन्हूं मॉडर्न भी कहा जाता है वो अंदर वख वख 9 जेलों ने 9 जेलों के अलग अलग थावां ते साडे जिहड़े अंदोलनकारी उन्होंने रखे हुए ने। असीं इत्थे लीगल कमेटी ने अपना काम शुरू किया हफ्ता दर्जन पहलों जिवें पहलां तुहानूं दस्सिया दिल्ली जाके वकीलों की एक कमेटी बनाई उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने जमानत जिहड़ा कराउण दा काम है वह शुरू किया। ये काम हफ्ता पहला ही शुरू किया जे तुहाडी जानकारी लई 122 बंदियां दे विचों अज तक 23 नौजवानों की जमानत हो के वो जेलों तो बाहर आ गए हैं तो प्रोसैस जारी है। इन्हां दे अंदर ही अज 7 नौजवान होर उन्हां दी जमानत होगी मंजूर हो गई है और उन्होंने जेल तो बाहर आना है असीं उत्थे जाना है उन्हां नूं जेल तो बाहर रात नूं 10 बजे कढ़िया जांदा है 9-10 बज जांदे ने बड़ा लेट हुंदा है जदों वह सारे बाहर आते हैं इसलिए अज 7 होर ने जिहड़े वह जेल तो बाहर आणगे। इस तरह 5 होर नौजवान जिहड़े मानसा डिस्ट्रिक्ट और दूजे जिले नाल संबंध रखते सी उन्हां दी जमानत भी मंजूर हो चुकी है उन्हां दे शोरटी बॉन्ड दिते हुए ने वह कल नूं बाहर आणगे हो सकदा इस तों भी ज़्यादा कल नूं बाहर आ जाण। मेरी कहण तों मुराद है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिसने एक कमेटी बनाई और असीं जाके दिल्ली गुरद्वारा रकाबगंज साहब विखे 150 वकील ने पूरे जिहड़े एक बहुत वड्डा वकीलों का संगठन है उस दे अंदरों 8 वकील जिहड़े बहुत चंगे सन उन्हां दी एक कमेटी असीं बनाई जाके उत्थे और वह कमेटी हर रोज़ दिन रात बहुत मेहनत कर रही है रोजाना 10 तों 15 तक जिहड़ियां दरखास्तां ने जमानत दियां वो उत्थे फाइल करदे ने और वह मंजूर हो रही ने। सानू सब तो पहला खदशा यह सी कि सरकार का बहुत जबर है सरकार धक्का भी कर रही है सानू कदे उठाउण लई इत्थों करदी है कदे मुकदमे दर्ज कर रही है सारे लीडर्स के खिलाफ कि जिहड़ां जिहड़े बैठे ने उन्हां दी जमानतां भी शायद बहुत अड़ीका जजां नूं कह के पाउणगे होण नहीं देणगे पर अदालतां किसे ना किसे पासे थोड़ा बहुत जिहड़ा निरपक्ष व्यू और आजाद भी लैंदियां ने। मैं धन्नवाद करदा दिल्ली दे जज साहिबान दा जदों भी असीं जमानतां लई उत्थे अपलाई करदे हां तां कोई अड़ीका नहीं आया हुण तक वह बहुत हमदर्दी भरे विच जिहड़े अपने किरदार नाल हमदर्दी भरे वतीरे दे नाल वह जमानत दे रहे हैं। दूजी गल 307 के मुकदमे जड़े इरादा कतल के मुकदमे ने 307 होवे 395 होवे 397 होवे जिन्हों डकैती कहा जाता है क्योंकि वह भी परचे दर्ज होए ने असी उन्हां दे विच भी 3 केसां जमानत लाइया और 3 दे विच जमानत दे दी उन्होंने 307 के मुकदमे दे विच भी 3 नौजवान जेल तो बाहर आ चुके हैं और बाकियों की 307 ही सारी असी ला रहे हैं हुण इसलिए भुलेखा ना किसी नूं रहे कि मेरा इरादा कतल दे विच है मेरा डकैती च है शायद जमानत होनी नहीं
जमानता सारे की होनी है, हफ्ता या 10 दिन लगनगे वध तो वध, क्योंकि हुण 95 दे करीब अंदर ने जिहड़े, बाकी हफ्ते या 10 दिन भी सारी जमानता लग के सारे ही बाहर आ जाएंगे। दूजी बेनती यह है कि जेल के अंदर, क्योंकि बड़िया रुकावटां ने मुलाकात नहीं होण दिंदे, करोना तो बाद किसी नूं सीधी मुलाकात करन दा अधिकार नहीं। जे माँ बाप भी असीं लिंक तुहानूं दित्ता होए अपने घर तो बैठो, वह लिंक ते तुसीं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मुलाकात कर सकते हो। बहुत जिहड़े घर दे ने मुलाकात कर रहे अपने बच्चों नाल, सानूं जेल चों दस्सिया, पर तुहाडी जानकारी दे लई दिल्ली सरकार दे राही असीं जेल सुपरिंटेंडेंट नूं कहाया, उन्होंने स्टेट होम मिनिस्टर तो, कि संयुक्त किसान मोर्चे जिहड़ा लीगल पैनल है उहदे विच 4 वकील ने, आ कुलदीप सिंह एडवोकेट मेरे नाल बैठे आ स्टेज ते, रमिंदर सिंह पटियाला ने जिहड़े किरती किसान यूनियन दे आगू ने, इस तरह 2 होर हरियाणे तो और हरपाल सिंह इंद्रजीत सिंह, ये 4-5 दी टीम है साडी। तां कहा वी जदों साडी टीम जावे साडे लई कोई रुकावट ना होवे, सी मुलाकात जद मर्जी करिए जिस दी मर्जी करिए। ते कल लागू होया, थोड़ी जानकारी लई साडी टीम गई, जेल सुपरिंटेंडेंट ने सानू बुलाया ते पुछया तुसीं कि जेल च मिलना चाहुंदे हो, असीं कहा 2 नंबर ते 4 नंबर जेल दे वी ज़्यादा ने, असीं उत्थे मिलांगे। अज उन्हां अपनी गड्डी दित्ती, जेल दे अंदर सानू बिठाया, 2 जेलां दे विच लै के गए, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दे दफ्तर च बिठा के जिहड़े जिहड़े नौजवानां नूं असीं कहा वह सारे उत्थे बुलाए, उन्हां दे हत्थी असीं उन्हां दी वार्ता सुनी भी तुहानूं गिरफ्तार कितों कीता, कोई पुलिस ने कुटमार तां नहीं कीती, जेल च की बतीरा, तां सारा उन्हां तों सुणिया, उन्हां नूं इही जी कोई उत्थे प्रॉब्लम नहीं सी। जे कोई सी थोड़ी बहुत, कोई खाने संबंधी कदे कोई ब्रैड नहीं मिलती, बिस्कुट नहीं आते, वह बड़े खुश होए सुपरिंटेंडेंट, कहिंदे भी ये गल्लां पहलां कह देनी सी प्रधान जी, तुसीं फोन करके कह देंदे भी अज तो सारा खुला होएगा इन्हां लई, ये जो मर्जी कहण अंदर मिलेगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होएगी इन्हां नूं। ये उन्होंने साडी दूजी बेनती प्रवान की उत्थे, ते वह बच्चों ने बड़ा खुश हो के दस्या कि साडे हौसले बड़े बुलंद ने, सानू तो कहिंदे लगदा सी शायद मोर्चा बाहर ढिला तो नहीं पै गया, असीं कहा भी मोर्चा बहुत बुलंदियां च है, किसान पंजाब हरियाणा बाकी सूबों के उपरों जि बड़ी वड्डी गिणती भी हिस्सेदारी पा रहे हैं मोर्चे दे विच, और मैं तुसीं रेल रोको की खबरां पढ़ना कल नूं, सारे देश किन्नियां अणगिणत थावां ते 4-4, 5-5 घंटे रेलों का चक्का जाम होना है, इस तों वड्डा अंदोलन। तो असीं पुछिया भी थोड़ा विचार की है, थोड़ी जमानतां तां हो जाणगियां, भी थोड़ा विचार की है, कहिंदे जी मोर्चे च ही आवांगे, सिंघू जावांगे, टिकरी जावांगे, सारे ने सानूं इह कहा जमानत कराओ, जिहड़े सिंघू वाले सिंघू आणगे ते टिकरी वाले टिकरी जावांगे, सारे ने कहा एक बार, कहिंदे साडे हौसले बहुत ने। मैं कहा इकट्ठे हो के सारे अज ये गल्लां सारे दस देना। दूजी बेनती है कीती जिहड़ी जमानत दे खर्चे ने, क्योंकि पिंडां च मैनूं बहुत फोन आए, कहिंदे जी कोई कहिंदा 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करो, कोई कहिंदा 20-20 हज़ार इकट्ठा करो। मैं कहा एक पैसा इकट्ठा नहीं करना, जिहड़ा इस स्टेज ते फंड इकट्ठा हुंदा है ये कादे लई है, ये उसे लई है शहीदां दे परिवारां नूं देना, जे किसी कोई जबर जुल्म परचे दर्ज होए ने जेलां दे विच ने उन्हां दे उपर खर्चे करने, ये फंड भी किसानां मजदूरां दा लोकां दा फंड है, इसलिए उन्हां दे उपर ही खर्चा जाणा है। ये थोड़ा कि असीं वकीलां दीआं फीसां जां उन्हां दे कागजां दे खर्चे जां उन्हां दे शोरटी बॉन्ड ने जिहड़े उन्हां दे घरदिआं तों लैणे ने, ये उन्हां नूं कहा कि तुसीं घर भी सुनेहा दिओ, जिन्हां घरदिआं दे भी फोन आए उन्हां नूं भी साफ कहा कि साडी वकीलां दी कमेटी दिल्ली वाले दी कमेटी ना किसी टाइप का खर्चा, ना मुंशी का खर्चा, ना कागज़ का खर्चा, ना वकील की फीस, बिना पैसे बिल्कुल ये सेवा करूगी, जिस तरह इतने संयुक्त मोर्चे टीम कर रही है, किसे कि नहीं पैसा देना। दूजी बेनती उन्होंने ये की, तीजी बेनती ये की कि संयुक्त किसान मोर्चे को फंड है, थोनू जेल के अंदर पैसा थोड़े को पहुंचया नहीं, इतने कंटीन है, कदे दिल करता मैं फलानी चीज़ ले आवां, असीं तुहानूं कुछ कैश पैसे देने हैं, जबकि कैश पैसे देण दा जेल दे विच प्रोविजन है नहीं, तुसीं दे नहीं सकते, ना ही वह रख सकते हैं, उन्हां दे खात्यां च पैसे पैंदे ने, तां सानूं अलाउ कीता जेल सुपरिंटेंडेंट ने स्पैशल, असीं कैश पैसे जेल दे विच लै के गए, उन्हां नौजवानों नूं बुलाया, बुला के उत्थे पेमेंट कीती 2-2 हज़ार रुपया जिन्हां नूं मिले, सारयां दे खात्यां च कल पैसे पा के आए हां, 50 नौजवानों 1 लख रुपया
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ, 50 ਹੋਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ 50 ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ RC ਦੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ 307 ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਚਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਤਲੀਆਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 3-3 FIR ਨੇ, 307 ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, UP 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ
अंबैसी है साड़ी इंडिया की उत्थे उस अंबैसी नूं मंग पत्र दिता है और मंग पत्र दे के मंग की अज कि इंडिया गौरमेंट नूं अज ही कहो कि किसानां दा जिहड़ा डेडलॉक एक महीने तो चलता है 22 तरीक तो बाद उन्होंने मंगा ते कोई गल नहीं हुई फौरी गलबात शुरू की जाए और उन्हें मंगा नूं प्रवान किया जाए। वह बहुत वड्डा दबाव है सरकार दे उपर जिहड़ा अंबैसी राही कनेडा तो पे है और कनेडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने तो तुसीं सुनिया बहुत देर पहले ही कह दिता सी जिस ते मोदी बड़ा औखा होया सी कहिंदा साडे अंदरूनी मामले च दखल अंदाजी कर रहे हैं। अजिहा नहीं है जिस तरह साडी चिंता है बाहर वसदे पंजाबी भारती वह यूरोप देशों च होण कनेडा च होण इंग्लैंड च होण अमेरिका च होण सारिया थावां ते बड़ी फिक्रमंदी है। वह सारिया थावां ते अपनी अपनी थां इकट्ठ करके प्रैशर भी पा रहे हैं दबाव भी पा रहे हैं सरकार दे उपर कि जल्दी खेती कानून रद्द करो और बीजेपी के अंदर भी बड़ी वड्डी गल चल रही है अजकल ये जल्दी बाहर आ जानी है थोड़े सामने कहन मोदी या तोमर जो मर्जी कहन उपर तो पर अंदर तो खोखले हुए है पैर हिले हुए ने जमीन तो पैर उपर ने बड़ी जल्दी थोड़े सामने है कि गलबात दरवाजे खुलणगे और तिने कानून रद्द होणगे एम एस पी के गरंटी का कानून बनेगा उदों तक यह जिहड़ा अंदोलन है जिन्हें कल सारे देश दे विच चार पांच घंटे रेलों का चक्का जाम करके ये सुनेहा दिता है सारे देश दे विच कि सारे देश दे सूबे सारे देश दे जिहड़े किसान ने इन्हां कानूनां दे खिलाफ ने अगले आने वाले एक्शन जे सरकार नहीं मनूगी तो बहुत वड्डे हो सकते हैं बहुत वड्डे जिहदे नाल सरकार नूं बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है क्योंकि 8 तरीक नूं पार्लीमेंट का सैशन शुरू होना है हुण उह बंद होया बजट सैशन सी दोबारा 8 नूं शुरू होना है इसलिए 8 तरीक तो पहला 8 मार्च तो पहला सरकार नूं गलबात दे दरवाजे खोल के ये खेती कानून रद्द करने पैने ने एम एस पी दे कानून बनाना पैना है नहीं 8 मार्च जिहड़ा सैशन है वह बहुत हंगामी होने वाला है और सरकार की पोजिशन उहदे विच बहुत ही पतली होनी है बहुत ही खतरनाक तुसी को होएगी पार्लीमेंट ने चलना नहीं दबाव बहुत वड्डा है इसलिए थोड़े जरिए असीं बेनती करते हैं कि आपां सारे पंजाब तो हरियाणे तो सारे पिंडां तो जिवें पंचायतों ने मते पाए ने उन्हां सारे नूं कहो कि फरवरी का महीना 15 मार्च तक उस तो बाद काम भी बड़े शुरू होने ने बहुत वड्डी गिणती दे अंदर नौजवान किसान जिस तरह 26 तरीक तो पहला सी वड्डी गिणती च आपां इत्थे पहुंचीए मोर्चे नूं बहुत वड्डा इस नूं इकदम जिवें आपां आसमान नूं चढ़ा दी इस तरह चढ़ाईए एक बारी और बहुत वड्डा प्रैशर दबा सरकार दे उपर इक्को वारी पाईए तां कि इन्ना लंबा चलन की लोड़ ना पवे असी घट समय दे विच ज़्यादा दबा पा के अपनी मंगां नूं प्रवान कराईए। सो इन्नी बेनतियां करन लई मैं ये समा थोड़े कोल लिया सी ये मेरा ख्याल है भी जिहड़ा मेरा सुनेहा जो मैं थोड़े राही दिता है तुसी सारे नौजवानों के घरां दे विच सारे जिहड़े नौजवान या उन्हां दे संबंधी उन्हां तक पहुँचाओ किसे किस्म का डर नहीं भय नहीं कोई समस्या होंदी है साढ़े सारे दे जिहड़े नंबर ने किसान एकता मोर्चा सैल दे उपर भी ने अखबारों के विच भी ने साढ़े नाल राबता कायम करो हौसले च रहो बुलंदिया च रहो तकड़े हो अंदोलन नूं अगे वधाओ जितांगे जित साडी होएगी। बहुत बहुत धन्नवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद भाई साहब जी का उन्होंने अपने प्रोग्राम तो सानू जाणू करवाया। हुण मैं बेनती करांगा मौन दी मान